वार्ड क्रमांक 17 से कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती प्रतिभा। बता दें, आप देख सकते हैं बड़ी खबर नरसिंहपुर की, जहां पर कांग्रेस नेता जो अश्विन नेमा है, उनकी जीवन साथी चुनाव पार्षद में खड़ी हुई है। जिलाध्यक्ष मैथिली शरण तिवारी, नरेंद्र राजपूत जी, हम आपको बता दें एमपी प्रजापति जी, समस्त कांग्रेस जन यहाँ पर उपस्थित हैं। और आप देख रहे हैं भारी जन सैलाब श्री अश्विन नेमा के साथ। वार्ड क्रमांक 17 से कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती प्रतिभा। जो हमने काम किए हैं, जो लोगों के सुख दुख में हम खड़े रहे हैं, जो हमने बाद में 36 विकास कार्य किए हैं, जो शासकीय योजना को जिन्हों का लाभ हमने दिलवाया है, जिन योजनाओं का हमने लाभ दिलवाया है, उन योजनाओं को दूसरों को लेकर आज हम मैदान में हैं और जनता का भारी बहुमत और भारी समर्थन मिला है। आज हमारी रैली में, हमारे जन आशीर्वाद यात्रा में, हमारे पिंडन वार्ड के कम से कम 200 कार्यकर्ता, 200 स्थानीय निवासी वार्ड की महिला हमारे साथ मौजूद थे। आज आपको जन समर्थन मिल रहा है, क्या आपके द्वारा सेवा कोरोना काल में की गई अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए आपने बार बार सुन के नगर वासियों के लिए काफी संघर्ष किया, बहुत सी कस्टम व्यवस्थाएं भी आपके द्वारा कराई गई, क्या उसी का जब अक्सर भी पहले आपातकाल के समय में हमारे वार्ड के समुचित लोग खतरे की ओर से गुजर रहे थे कोरोना काल में, तब हमारे साथियों और मैंने उनकी पूरी सुरक्षा पूरी ईमानदारी के साथ की, उनको तमाम व्यवस्था जो वो नहीं कर पा रहे थे सब्जी से लेके एक एक व्यवस्था रेमडिसिविर इंजेक्शन से हम लोगों ने व्यवस्था की। मेरा भी परिवार था, लेकिन मेरे घर के, मेरे परिवार, मेरी पत्नी ने कहा कि लोगों की जान की बहुत आवश्यकता है, आप आगे आइए, और मैंने उस पर कार्य किया और मुझे लोगों का बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है और मैंने लोगों को पूरी ईमानदारी से लोगों के साथ काम किया। आप 2 बार से पार्षद हैं, आप पैसे विकास की एक पहिया को चलता ही ज्यादा विकास करा ही रहे, कई आप तीसरी बार जीतते हैं, तो अब वार्ड में आप क्या नया कराना चाहेंगे? वार्ड में जो सुचारू व्यवस्था है, जो पहले जीप लगी हुई थी, तो आज आप ये देख सकते हैं, वार्ड में सर्वे कर सकते हैं कि आज मैंने वार्ड में हर कुलिया में प्रकाश व्यवस्था, रोड नाली, अंडरग्राउंड नाली की व्यवस्था करवाई है, लगातार वार्ड में कीटनाशक पाउडर का छिड़काव होता है, लगातार कोरोना काल में सैनिटाइजर हुआ है, शासन की चलित योजनाओं को लगातार लाभ दिया है, 200 ज्यादा हितग्राही ग्रामीणों को पीएम आवास आवास एवं ISDP योजना अंतर्गत भटिया टोला और गणेश मंदिर में मकान दिलाए हैं। लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी थी और मैंने काम किया है, आगे भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा और सुनिश्चित जीत भारी बहुमतों से होगी। बजरंग वार्ड के मतदाता प्रबुद्ध नागरिक जनों का, मैं हर घर में एक बच्चा के समान, मेरी पत्नी बेटी के समान है, और मैं संकल्प लेता हूँ जब जीत के आऊंगा तो बजरंग वार्ड में जो नगर में स्वागत द्वार नहीं है, बजरंग वार्ड के हर गली में एक द्वार होगा जिसका नाम होगा बजरंग द्वार, बजरंग वली के नाम से बजरंग द्वार होगा, जो एक शहर में मिसाल कायम करेगा और वार्ड की सुचारू व्यवस्था और लोगों के जैसे निरंतर सेवा में एम्बुलेंस तेज सेवा हमारी रही है, कोई चैलेंज कर सके तो कर सकता है। जय भारत, जय हिंद।